आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों ने भी कई बार यहाँ की जो सरकारी हॉस्पिटल है, MGM हो या स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आप लोगों ने हमेशा दिखाया है कि कैसे बद से बदतर हालात यहाँ है। चाहे पेंडेमिक में हम लोगों ने देखा, फर्स्ट लॉकडाउन में, सेकंड वेव में भी हम लोगों ने देखा कि कितनी किल्लत ऑक्सीजन की और दूसरे सारे रिसोर्सेज की, मेडिकल की कमी थी बहुत। और ये सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ही है, चाहे वो आप जमशेदपुर की बात करें, झारखंड की बात करें या पूरे भारतवर्ष में, सामाजिक संगठनों ने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया और बहुत सारे आइसोलेशन सेंटर, ऑक्सीजन बैंक, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऐसी बहुत सारी सुविधाओं को सिर्फ और सिर्फ सामाजिक संगठनों ने अपने बल पर तैयार किया और लोगों को सहयोग और मदद की। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ सरकारी तंत्र पर और स्वास्थ्य सेवाओं पर ही डिपेंड रहे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बुरे हालात होते और हुए भी हैं। आपने देखा होगा कि जो मृत्यु दर कोविड में, अभी WHO की रिपोर्ट आई कि जो आंकड़ा भारत सरकार बता रही थी उसके 3 गुना डेथ केसेस है। हम लोगों ने बार बार कहा है कि जो एक्चुअल फिगर्स है डेथ केसेस का, क्योंकि मैंने खुद डील किया है कोविड में जो डेथ केसेस थे, ऐसी बहुत सारी, ये बहुत बड़ा इशू होगा इसमें, बहुत मैं समझता हूँ कि इतने कम लफ्ज़ों में बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जो सामाजिक संस्थाएँ हैं उनको आगे आके सहयोग करना चाहिए सरकारी स्वास्थ्य विभाग के साथ और आम जनता के साथ, तभी कुछ सुधार मुमकिन हो सकता है। हास्यपद जो है इनका जुमला होगा कि मृत्यु ऑक्सीजन की वजह का नहीं हुई। ये हमारे मोदी जी ने भी कहा और हमारी झारखंड की सरकार भी यही कह रही है कि कोई भी मृत्यु जो है वो ट्रीटमेंट के अभाव में नहीं हुई, तो ये गलत है। आप अगर उस वक्त मेरे साथ घूम कर आप देखते हॉस्पिटल्स की जो हालात थे, ना बेड्स अवेलेबल, ना ऑक्सीजन अवेलेबल, ना ट्रीटमेंट अवेलेबल, ना डॉक्टर्स अवेलेबल है, ना नर्सिंग सर्विस है, पूरी तरह से चरमराया हुआ स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार। अब वो अपनी खामी को छुपाने के लिए आज आप ये कहते हैं कि अभी एक ऑडिट टीम जमशेदपुर आई थी जिसमें जो आंकड़ा बताया गया उसका 3 गुना डेथ केसेस सिर्फ TMH में है। पहले बताया गया कि पूरे ज़िला पूर्वी सिंहभूम में 765 डेथ केसेस कोविड से हुए, जबकि सिर्फ और सिर्फ आपके TMH में 4,500 लोग ऑन रिकॉर्ड डेथ केसेस हैं। बाकी टाटा मोटर, टीम प्लेट, मर्सी, ब्रह्मानंद और MGM बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ डेथ केसेस हुए हैं, अब बड़ी तादाद में डेथ केसेस हुए हैं। आपके बच्चों का अच्छा भविष्य बनाने के लिए बेहतरीन सुविधाओं के साथ अब आपके मोहल्ले में भी खुल चुका है बचपन प्ले स्कूल का नया ब्रांच, जहां इस वक्त लिया जा रहा बच्चों का एडमिशन बिल्कुल फ्री। जी हां, आपने सही सुना, बचपन प्ले स्कूल में हो रहा है बच्चों का फ्री एडमिशन। कपाली अलकबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज के ठीक सामने बचपन प्ले स्कूल खुल चुका है, जहां प्ले ग्रुप से अपर KG तक की पढ़ाई अच्छे माहौल में और बेहतरीन सुविधाओं के बीच आपके बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं। स्कूल में बेहतरीन सुविधाओं के साथ वेटिंग हॉल, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम, अट्रैक्टिव ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल और खेलने के लिए हर प्रकार के खिलौने एवं बच्चों को अत्याधुनिक तरीके से शिक्षा प्रदान करने के लिए ऑडिटोरियम स्मार्ट क्लासेस बनाए गए हैं, जिसमें LED स्क्रीन एवं प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। और यहाँ फिलहाल निःशुल्क एडमिशन की व्यवस्था है जो कि सीमित समय के लिए है, तो क्यों ना इस ऑफर का फायदा उठाएं। अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाएं जिसका सपना आप देखते हैं। जी हाँ, आपके बच्चे के भविष्य को अच्छा बनाने अब खुल चुका है बचपन प्ले स्कूल, ऑपोजिट अलकबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज, कपाली सराय के लखर सवा।